हेलो जी, आज गुड मॉर्निंग नहीं हो पाई, थोड़ा सा जल्दी थी ऑफ़िस पहुंचने की। मैं ऑफ़िस पहुंचने के बाद अब भी निकली हूँ ऑफ़िस से, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा कनॉट प्लेस की तरफ। कनॉट प्लेस तो आपने सुना होगा दिल्ली में, कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे हैं। कुछ कुछ थोड़ा सा सामान लेना है, तो बस वही देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, क्या लेते हैं। तो चलिए, स्टेडी एंड गो। ये है दिल्ली का द कनॉट होटल, और हम जा रहे हैं इसी के सामने से निकलेंगे। देखो, आपने इसका नाम सुना होगा, काफी बड़ा होटल है, काफी पुराना होटल है। रास्ते भूल जाती हूँ। पार्किंग, इधर पार्किंग में हम कार लगा देंगे, सॉरी स्कूटी ले जाएंगे। कहाँ खड़ी करें भैया, धूप ही धूप है सब जगह, छाइयाँ ही नहीं है कहीं भी। अभी इसके शो पता कर लेते हैं। हमें गंगूबाई देखने का बड़ा मन कर रहा है काफ़ी दिन से, और हमें पता ही नहीं था यहाँ पे लगी हुई है। अभी उसका शो पता कर लेंगे हम लोग। हमारी मैडम कैमरे में नहीं आती, छुपी रहती हैं, फिर भी दिख गई आज दो बार। अच्छा, कवर्स लेने थे, ले लें। नरेश ने कौन सा कवर बोला था भैया? ओप्पो A54 का है कवर। प्लेन अच्छा वाला नहीं है कोई, प्रिंटेड दिखाना, प्लेन में दिखा दो। नहीं भैया, वो ब्लू वाला ही दे दो। नहीं, सो फाइनली ये क्यूट सा बैक कवर लिया हमने फ़ोन के लिए, अच्छा है ना। ब्लैक ही वाला चाहिए, साफ नहीं हो रहा ना, इस पर निशान है। इसको कम का लगा लो ना, कलर तो यही चाहिए हमें। हाँ, इसको ठीक ले लेते ना। तो भैया के बहुत अच्छे रेट थे, और हमने भैया से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कवर ले लिए हैं। फाइनली हमारे सारे मोबाइल्स के कवर हो गए, घर के जितने भी थे। आप भी अच्छे हैं भैया, लॉकडाउन के बाद में पहली बार ये गिराया। भैया ने हमारी तारीफ करी, क्योंकि हमने उनसे एक साथ इतने सारे कवर बिना। ये है खादी इंडिया की बिल्डिंग, और उसके पास में वो पूरा LIC का ऑफिस। ये कनॉट प्लेस का लॉर्ड एंड डेंग्स बैगेट ए ब्लॉक। नए कवर लगा के बिल्कुल नए फ़ोन की फीलिंग आ रही है हमारी मित्र महोदया को। दो कवर ले लिए मैडम ने पुराने फ़ोन के, अब फ़ोन हो गया नया। ये होती है ट्रिक, बहुत ज़बरदस्त प्यास लग रही है, और ऐसा लग रहा है पिटारे में से मज़ा निकलने वाली है, कोई कह रहा है। निकालो भाई निकालो, और हम पिए मजा। ये तेरी किस्मत। फाइनली पठंडी नहीं है, रख रखी थी मैडम ने, जरा इसे होल्ड कीजिए तो पी लें हम। ये मुझे ही दिखाएंगी, थोड़ी थोड़ी झलक दिखाएंगी अपनी बस। पानी की प्यास लगी थी, माजा से काम चलाना पड़ेगा हमको। लो यार, आप पियो, पानी की प्यास है, माजा भी ठंडी नहीं थी।
और यहाँ पे मास्क बहुत जरूरी है, नहीं तो बढ़िया वाला चलान हो जाएगा। चलो मैं आपको मार्केट दिखा देती हूँ। ये है कनॉट प्लेस। हाँ मार्केट में डॉगी तो होते हैं। अच्छा नहीं लगा? ठीक है, चैन थोड़ा सा लंबी चाहिए थी मुझे मोटी। अच्छा अच्छा, कितने का आंटी है? 350 आंटी के बैग। अच्छी पर्स की शॉप पसंद आया, पर उसकी चेन थोड़ी सी हमें नहीं समझ में आई, हल्की थी। हम देखने जा रहे हैं H&M पे जीन्स, पर पहले H&M तो मिले तब तो जीन्स मिलेगी। बी ब्लॉक में हम हैं और वाइल्ड क्राफ्ट। सो फाइनली हमें H&M मिल गया, हम इसमें जाएंगे। ये एग्जिट है, इसकी एंट्री किधर है? ये रही, दिन में खाली रहता है। ये लो बाबा, ट्रायल रूम के सामने इतनी लंबी लाइन है जैसे फ्री में राशन बटना। तो भाई हम तो जा रहे हैं, हमने जीन्स देखी अच्छी लगी, लेकिन हम जब ट्रायल रूम के सामने पहुंचे तो बहुत लंबी भीड़ होने की वजह से लोग वापस जा रहे हैं। ट्रायल तो नहीं लेंगे ना, चलो फिर कभी आएंगे, तब तक बाहर चलो। आ गए हम लोग H&M के बाहर, अब आगे चलते हैं। इतनी भीड़ थी देख के ही हालत ख़राब होगी। और ये बच्चे जो बीच में आ गया उसको वायर आ गया माइक का। ये कार में कैसे लगेगा? ये अच्छे से होल्ड कर लेगा, उस पर चिपक जाएगा एकदम। डैशबोर्ड और ग्लास पे दोनों पे लगेगा। डैशबोर्ड पे भी लग जाएगा इसको, इस पे ऐसे करोगे इसको टाइट कर देना, ऐसे करके फोन ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इस पे रखोगे ना, पुश करोगे तो लॉक हो जाएगा। इसको बड़ा करना आपने, इसको लूज कर लेना, यहाँ पे होल्ड करना आपको, यहाँ पे होल्ड करना, ठीक है? बैक से यहाँ से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इससे इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये आगे पीछे भी होता है। डैशबोर्ड पे लगाना है ना तो डबल लॉक लगाना, ठीक है? अच्छा, और ग्लास पे लगाना तो सिंगल लॉक। ओके, ये अभी ओपन है, है? डैशबोर्ड के लिए डबल चल वाला है, अच्छी बात। कितने का है ये? ये फुल है। ये यहाँ से भी मूवेबल है ना? हाँ, मूव करेगा चारों साइड, ऊपर से मूव करेगा, ऊपर से। अच्छा, इसको वो करने की जरूरत, कितना लगाओगे? ये मुझे चाहिए और ये अच्छा लग रहा है आपका ना, मैंने एक लिया था वो जो साइड्स पे मिलते हैं ना, वो बहुत बेकार निकला मेरा, टूट भी गया वो। 400 ऑटोमेटिकली पुश वाला है। हाँ, इस पे फोन रखोगे लॉक हो जाएगा। अच्छा, फोन रखते ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली लॉक। ओके ओके, 350 दे दूँ? चल जाएगा 350, ठीक है। आप इसको पैक कर दो, पेटीएम कर देती हूँ मैं आपको। मैंने ये ले लिया, मुझे बहुत दिन से चाहिए था। इससे पहले भी मैंने एक ख़रीदा था, पर वो ना उसमें पेस्ट नहीं हो रहा था और उससे वो गिर गया दो बार, फ़ोन भी टूटने का डर था, इसलिए मैंने इसको लिया। और देखते हैं अब कार में कैसी वीडियो बनेगी। तो आप लोगों से मिलने के लिए, आपको दिखाने के लिए, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट था नहीं। और यहाँ पे है सेंट्रल पार्क एक बीच में, तो चलो वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और ये राजा रास्ता जाता है सीधा राजीव चौक की तरफ, और यहीं पे सेंट्रल पार्क है, लेकिन सेंट्रल पार्क को हम नहीं ले पा रहे हैं, हम अंदर नहीं जा सकते, नो एंट्री फॉर पब्लिक इस गेट नंबर से। चलो देखते हैं। तो हम बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं और सेंट्रल पार्क के सामने, लेकिन वहाँ की एंट्री बंद है,
अंदर नहीं जा सकते, कुछ काम चल रहा है वहाँ इसलिए। और ये पूरा व्यू है आपका, ये सेंट्रल पार्क है, बहुत बड़ा है सीपी, इतनी जल्दी तो नहीं घूम सकते, बट हाँ आप घूम सकते हो, आओगे तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, घूम सकते हो, काफ़ी अच्छा है। वैसे इसके खुलने और बंद होने का टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, विंटर्स में 7 बजे से 10 बजे तक, समर्स में 4 बजे से शाम को 7 बजे तक, और साप्ताहिक अवकाश वीकली ऑफ इनका होता है मंडे को। भैया ठंडा पानी दे दो एक, फाइनली पानी तो मिल गया, और कुछ नहीं मिला। माजा पी थी, माजा में वो बात नहीं थी जो पानी में है, वो जब भी मेट का डायलॉग है ना कि भाई पानी की जो प्यास है ना वो पानी बुझा सकता है, सेम मैं फील कर रही हूँ अभी। और हम चल रहे हैं और ये बाबूजी हमारे रास्ते में सो रहे हैं आराम से, कोई चिंता नहीं उनको। हम पता करने आए थे गंगूबाई के लिए, लेकिन गंगूबाई हट चुकी है, इन्होंने बस बोर्ड लगाया हुआ है उसका। एनीवेज तो अब मैं तो निकल रही हूँ घर, पार्किंग में आ गई अपनी स्कूटी लेके, चलते हैं घर, पहुँच के करते हैं आपसे बात। सूरज सर पे, बस अभी थोड़ी देर में डूबने की तैयारी यार, शाम होने वाली है। हेलो जी, तो आज का व्लॉग बनाने के बाद, और कल वाला व्लॉग मैंने आज अपने चैनल पे डाल दिया है, उसके बाद अभी बहुत थकान है। मैं रोज़ ही यही बोलती हूँ ना, थकान हो ही जाती है, मुझे अभी आदत नहीं इतना ज़्यादा बाहर निकलने की, निकलते हैं मतलब, पर इस तरह नहीं। तो अभी तो बहुत थकान लग रही है और मैं सोने जा रही हूँ, फीलिंग स्लीपी सॉरी। तो आप लोग ब्लॉग देखिए और मैं सोती हूँ, कल मिलते हैं सुबह कुछ नए क्रिएटिव ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।